अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदेद हैं। जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऑफिशियली 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल को मौकर करने और इस्टेब्लिशमेंट के सामने आमने बैठकर जनाब मिडल ग्राउंड तलाश करने का इशारा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जनाब वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कशीदगी में कमी हो जाए और वो इस सिलसिले में उनके मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में चीफ फार्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के साथ मुजाकरात के लिए यानी मिडिल ग्राउंड की तलाश के लिए राब्ता करने के लिए पहल करने के लिए पैरी पढ़ने के लिए गुंडों को हाथ लगाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को सेटल करने के लिए इस वक्त किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार है। उनके उनको इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इदराक हो गया है कि जनाब इन तिलों में तेल नहीं है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त एक ऐसा मौसर एहतजाज जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने में मौसर साबित हो सके वो करने की पोजिशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या अली अमीन गंडापुर साहब की इस पेशकश पर कि मिडल ग्राउंड तलाश करने के लिए वो तैयार हैं इसके ऊपर उनको किसी तरह का कोई ग्रीन सिग्नल देगी। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज को मौखर करने के लिए इशारा देने पर क्यों मजबूर हुई और सबसे बढ़कर ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो बुशरा बीबी से नालां क्यों है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हालिया दिनों में मुतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने पै दर पै इजलास किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वज़ीर आला हाउस में और इन इजलासों में मुतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से जो प्यार भरी धमकियां हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर्स मुंतखब एमपीएस एमएनएस और उहदेदारों को दी गई हैं और इसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया था ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब हजारों की तादाद में लोगों को लेके आना है। जो हजारों की तादाद में लोगों को नहीं लेके आएगा उसकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हो जाएगी छुट्टी और इसका ऐलान खुद इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से भी मुख्तलिफ मुलाकातों में उनसे मंसूब बयानात में भी किया गया है कि यह एक लिटमस टेस्ट है कि कौन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है और कौन तहरीके इंसाफ के साथ नहीं। उसका नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुंतखब अहदेदारों मुंतखब एमपीएस और एमएनएस की तरफ से फरमाइशी गिरफ्तारियों के सिलसिले का आगाज हो गया है। ये एमपीएस एमएनएस मुख्तलिफ जगहों पर छोटे मोटे हंगामे के अंदर मुलव्वस होते हैं और उसके बाद वो उनको जो है वो इन्हीं पर्चों के अंदर वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर देते हैं जिसके बाद इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ग्राउंड लेवल पर मौजूद जो एमपीएस एमएनएस और अहदेदारान हैं वो इस बात का बर इजहार कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किला कायम है और एस्टेब्लिशमेंट का किला कायम होने की वजह से वो इस वक्त किसी तरह का मौसर एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। अब जो कि वो मौसर एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है लिहाजा बुशरा बीबी साहिबा की धमकियों और इमरान खान साहब की नजर में अपने आप को बेगुनाह और मासूम साबित करने के लिए यह जो फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं इसका आगाज भी हो गया है और लीडरशिप की तरफ से वीडियो बयानात के जरिए इस बात का जो है वो मुजाहर सामने आ रहे हैं कि जनाब हमें धमकियां मिल रही हैं लिहाजा हम अंडरग्राउंड हो रहे हैं। इस पोजीशन के अंदर किसी जगह पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मौसर एहतजाज करना मुमकिन नहीं है। अब जो कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको इंटैक्ट रहना भी जरूरी है लिहाजा एक मिडल ग्राउंड की तलाश या एक ऐसे मामले की तलाश जिसके जरिए वो अपनी फेस सेविंग भी कर लें अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को बचा भी लें और इस पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए उनको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है और एस्टेब्लिशमेंट चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रत्ती बराबर भी राबता करने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किसी तरह की कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतना सा भी रास्ता देने के लिए तैयार है और यह एक ऐसा डेडलॉक है जिसको खोलने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अलबत्ता वो तमाम लीडर्स जो इस वक्त किसी भी ऑफिशियल पोजिशन
पोजीशन में है, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट एंड नेशनल असेंबली है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर है या मुख्तलिफ कमेटीज में मौजूद है, या वो इस वक्त किसी भी सूबे की सरबराही रखते हैं जैसे अली यमीन गंडापुर साहब है, तो उनके साथ ऑफिशियल इंगेजमेंट रखना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है। और ये वजह है कि सूबाई एपेक्स कमेटी हो या कौमी सतह पर एपेक्स कमेटी हो, इन जगहों पर जो राबते हैं, इन जगहों पर जो मेल मिलाप है, इन जगहों पर जो सलाम दुआ है, वो यकीनी तौर पर होती है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की यह ख्वाहिश है कि इस मौके से किसी ना किसी तरीके से फायदा उठाया जाए। अब चूंकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये जो नेशनल लेवल पर एपेक्स कमेटी है, इसका इजलास होना है, और इस इजलास में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की यह ख्वाहिश है कि वो आला अस्करी क्यादत के साथ आमने सामने बैठकर इमरान खान तहरीके इंसाफ और 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च के लिए वो गुफ्तगू करें, और इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर जो है उसके खात्मे के लिए बातचीत का या अमली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का जो है वो इकदाम उसका आगाज किया जाए। इसी हवाले से आज दी न्यूज़ में एक स्टोरी शाया हुआ है जनाब अंसार अब्बासी साहब की, ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के अंदर इस बात को ब्रेक किया गया है कि उनकी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खुद राबता हुआ है, खुद बातचीत हुई है, और इस एपेक्स कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके एजेंडे पर बातचीत की गई है कि आप बतौर वजीर आला इस एपेक्स कमेटी के इजलास में कौन कौन से मामलात को एजेंडे में लाना चाहते हैं। अब जो इंसार अब्बासी साहब हैं उनका सवाल तो यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की लहर और खासतौर पर वो तमाम इलाके जहां पर सूरज ढलने के बाद लोग घरों में मुकैद हो जाते हैं और वहां पर दहशतगर्दों का राज हो जाता है, वहां पर फितना अल खारिज जो है वो सामने आ जाते हैं और शहर का कंट्रोल संभाल कर भत्ते की वसूली के अमल का आगाज करते हैं। शायद अंसार अब्बासी साहब की यह ख्वाहिश थी कि अली अमीन गंडापुर साहब इस सवाल का जवाब देंगे। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने इस सवाल का जवाब तो शायद देना मुनासिब नहीं समझा, अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, DGMI, DGIB और तमाम सूबों के वज़राए आला, अहम वफाकी वज़रा और दीगर अराकीन शरीक होंगे, और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात बिलखसूस अमनो आमा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि क्या इस इजलास के दौरान वो PTI के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च, इमरान खान और पार्टी से जुड़े मसाइल पर बातचीत करेंगे, तो अली अमीन गंडापुर का ये जवाब था, मैं सियासत पर बातचीत नहीं करूंगा, हमारे एहतजाजी मार्च के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं। ताहम उन्होंने कहा, जब आप अमनो आमा की सूरत हाल नेक्शन एक्शन प्लान पर बात करते हैं तो इमरान खान और PTI को दरपेश सूरत हाल पर भी बात होती है। उनका यह कहना था कि वो ये मसाइल भी एपेक्स कमेटी के इजलास में उठाएंगे, और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता इजलासों में भी वो इन मसाइल पर बातचीत करते रहे हैं। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी का जिक्र करते हुए उनका यह कहना था कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, PTI के मफाद में है और ना ही इदारे के मफाद में है कि वो एक दूसरे के आमने सामने आए, इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि जनाब आपकी क्यादत तो जारहाना लहजे में बात करती है, एस्टैब्लिशमेंट को अंडरमाइन करती है, तो पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की तर्दीद की, लेकिन उसके बाद जब उनको बातें याद कराई गई तो उनका यह कहना था कि जनाब जब आप एक बंदे को इतना अरसा कैद रखेंगे तो वो बोलेगा। अब ये जो सूरत हाल है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाएगी तो उसके नतीजे में कोई रास्ता निकल सकता है, और ये मिडिल ग्राउंड की जो बातचीत जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, वो भी हालिया दिनों में बहुत ही ज्यादा जेर बहस है। जिस तरीके से अंसार अब्बासी साहब ने अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसी तरीके से
मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब ने भी एक से जायद टीवी टॉक शोज और खुद अपने कॉलम ने इस बात का इजहार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त शायद कोई मिडल ग्राउंड की जरूरत है और मौजूदा कशीदगी का खात्मा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि नेशनल लेवल पर एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए जिसके जरिए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई दोनों के लिए कोई रास्ता निकल सकता है आगे बढ़ने का। और इसी बुनियाद के ऊपर ये मिडल ग्राउंड की बहस का आगाज होता है और इस बात का जिक्र शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को किसी मिडल ग्राउंड की जरूरत है ताकि दोनों एक विन विन सिचुएशन पर आ सके। मेरा यह ख्याल है कि यह महज एक ख्वाहिश तो हो सकती है, चाहे सुहेल वड़ाई साहब की हो या दीगर लोगों की हो। मौजूदा सूरत हाल में यह मिडल ग्राउंड की ख्वाहिश का जवाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज जारी करने के का जवाब सामने आया है, क्योंकि जब मिडल ग्राउंड की बात होती है तो फिर म्याना रवि की बात होती है। ऐसी सूरत हाल में मुतदल बात सामने आती है और इस्टेब्लिशमेंट ने मिडल ग्राउंड की बात के जवाब में सीसीटीवी फुटेजेस को जारी करके यह वाज़ह तौर पर पैगाम दिया कि वो अपने लिए जिस ग्राउंड पर खड़े हैं वो वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं उस वक्त तक जब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इन वाकयात के ऊपर सरे आम माफी नहीं मांग लेते। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन तमाम अनासर जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो रियासत के ऊपर हमले में मुलव्वस हैं, जो रियासत के लिए जान देने वाले शोदा की यादगारों को मिसमार करने, उनको जलाने और उनकी तौहीन करने जैसे इकदाम में मुलव्वस है, जब तक उनको सजा दिलवाने के लिए ऐसे तमाम अनासर को रियासत के हवाले नहीं करते उस वक्त तक किसी तरह की कोई मिडल ग्राउंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक 24 नवंबर की तहरीक का ताल्लुक है, यह बात भी बहुत ही क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस तरह का कोई भी एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है जो रियासत या हुकूमत के लिए खतरा बन सके। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में किसी को भी इस एहतजाज से खाइफ होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। लिहाजा इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिस तरीके से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इस बात के अलावा कोई और चांस नहीं है, इसके अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो इस एहतजाज से एक रिस्पेक्टफुली विथड्रॉ करे और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत या हुकूमत के साथ बातचीत करते हुए कोई ऐसे रास्ते की तलाश जरूरी है जिसके नतीजे में एक ऐसी ऑप्शन सामने आ सके जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस एहतजाज को विथड्रॉ करने के लिए आमादा हो सके। और उसके लिए वाहिद एक ही ऑप्शन मेरी नजर में इस वक्त सामने आती है और वो ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की तोशाखाना 2 दरखास्त के अंदर बरियत या 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की सजा और उसके साथ जीएचक्यू हमला केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म का इनेकाद। ये दो रास्ते जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए यही एक सिचुएशन है, क्योंकि अगर 190 मिलियन पाउंड्स केस में इमरान खान को सजा हो जाती है, बुशरा बीबी को सजा हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी यकीनी है और उसके साथ साथ जीएचक्यू हमला केस में अगर उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर उनकी मिलिट्री कस्टडी में जाना तकरीबन 100% तय है। ये एक इंतहा है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी तरह का कोई मिडिल ग्राउंड देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन, जिस तरह मुकदमात की फहरिस्त आज सामने आई है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई है, अगर इस तरह की कोई जो है वो रास्ता निकलता है जहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी जमानत का ऑप्शन सामने आता है तो फिर ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो इस वक्त तनाव की कैफियत है शायद ही उसको डिफ्यूज करने में कामयाब हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने इस एहतजाज को विड्रॉ करे। बज़ाहर यही दो ऑप्शन है और मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि इनको इनके अपने वजन से ही गिराया जाए, इनको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया जाए और ये बात पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी जाए कि इनका मकबूलियत का बयानिया सरासर झूठा है। और यही वो ऑप्शन है जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बरूए कार लाई जाएगी। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।